आज से किसानों की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। अंबाला की मंडी की व्यवस्था से किसान खुश हैं। किसानों को फसल खरीद शुरू होने का बेसब्री से इंतजार था, जो कि आज खत्म हो गया है। गेट पास कटने शुरू हो गए हैं और काम भी तेजी से चल रहा है। किसान अब अपनी धान की फसल बेचकर अपने घर को वापस जाने लगे हैं और उनके खाते में पैसे कब आए उसी का इंतजार रहेगा। किसानों का कहना है कि वह काफी दिनों से मंडी में बैठे हैं, आज से सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। उनका कहना है कि अब वे अपनी फसल को बेचकर घर जा रहे हैं। उनका कहना है कि बस अब सरकार खाते में पैसे कब भेजेगी यही इंतजार रहेगा। कुमार जी, गांव मुंदरीडी से और डिस्ट्रिक्ट अपना बड़ा मंडी अपना मोड़ा है जी। आज से खरीद शुरू हुई है जी, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माल लेके आ गए यहाँ पे और ठीक चल रहा है जी कारोबार। नहीं, पोर्टल पे है जी, ऑनलाइन करा रखी है और पोर्टल पे ही चल रहा है सिस्टम। यहाँ पे पेमेंट वगैरह ये कह रहे खाते में आएगी, कहा अभी तो आज जी लेके आए हैं, उसके बाद देखते हैं कब आएगी पेमेंट। किसी प्रकार नहीं, समस्या अभी कोई नहीं है मंडी में जी। बहुत अच्छा है, जो एक तरीके से इन्होंने कहा था कि आपने सही टाइम पर खरीदी शुरू कर दी है। पोर्टल पे सवेरे 8 बजे से चल रहा है, एक लगत भर रेट थी, बाकी किले को सुखा कर शाम तक जिम्मेदार को फ्री कर देता है। पेमेंट हमारे खाते में आएगी, देखते हैं गवर्नमेंट सही टाइम पे पाती है या लेट करती है। मंडी में सुविधाएँ सब बढ़िया है। हाँ जी, आज से खरीद शुरू होगी, बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन पर्चे भी करने शुरू हो गए पोर्टल पे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 8 बजे से शुरू हो गए सब कुछ, रूटीन में काम चल रहा है। बाकी तो अनाज भी सुखा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी किसी तरह की। कोई समस्या नहीं है जी। पीने के पानी की, पीने के पानी का सब बंदोबस्त बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा कमेटी वालों ने भी और सरकार की तरफ से भी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आढ़तियों का बहुत अच्छा सपोर्ट है जी। आढ़ती जब भी जो सूखा माल आ रहा है साथ का साथ भराई कर रहे हैं जी, अगर जो गिल्ला माल है उसको गले सुखा के भराई कर रहे हैं। वही मंडी सचिव ने बताया कि आज से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन गेट पास कटने भी शुरू हो चुके हैं। अभी तक 45 से ज्यादा ऑनलाइन गेट पास कट चुके हैं। वहीं उन्होंने मंडी में धान की आवक पिछले साल जहां 3,60,000 से ऊपर रही थी, तो अब की बार फसल में बीमारी और बारिश की वजह से नुकसान होने के कारण 3,25,000 के आसपास रहने की उम्मीद जताई है। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। आज है कि 1 अक्टूबर से हमारी ई खरीद पोर्टल पे ऑनलाइन गेट पास जारी होने शुरू हो गए हैं और अभी तक कम से कम अभी इस टाइम लगभग 45 गेट पास कट चुके हैं और टोटल अरेवल हमारे पास अभी 70,000 कुंटल के आसपास हो चुकी है, जो कि पिछले 1 महीने से आ रही है। और खरीद की आज खरीद की पूरी संभावना है, खरीद की जाएगी किसानों की फसल की। बस यहाँ पे हैफर्ड और DFSC की है, तो आज हैफर्ड की बारी है, तो हैफर्ड खरीद करेगी। अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी समस्या नहीं आई है किसी फार्मर को गेट पास काटने के संबंध में, तो सभी के गेट पास अभी तक कटे हैं उसने कटवाया है। पेमेंट इनकी डायरेक्ट ही है, उनके फार्मर के अकाउंट में ही आएगी, जैसे पिछली बार हुआ था, पिछले 2 बार से हो रहा है, तो डायरेक्ट पेमेंट है, फार्मर के अकाउंट में जाएगी। इस बार पिछली बार 3,61,000 क्विंटल आई थी, तो इस बार भी कल एक VC हो रही थी CM साहब के साथ, तो उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद 15-20% जो फसल है वो उसको नुकसान पहुंचा है, तो उम्मीद करते हैं कि 3,25,000-20,000 के आसपास 25,000 आ जाए, आने की संभावना है 3,25,000 क्विंटल के आसपास। बरसात आने की स्थिति में हमारे सभी आढ़तियों के पास पर्याप्त मात्रा में तरपाले हैं, क्रेट्स हैं और पॉलिथीन कवर्स उनके पास मौजूद हैं, ताकि वो किसान की फसल को भीगने से बचा सकें। किसान नहीं, नहीं, अब किसान आढ़ती भी किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है, किसान आढ़ती किसानों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।